नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टी सी टेलर चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप टी शर्ट की कटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि टी शर्ट की जो सीरीज है वो यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं। उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग के सारे पार्ट आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम टी शर्ट की कटिंग करेंगे और इसकी जो नाप है वो आपको बताते हैं। जैसे कि 25.5 लंबाई है इसकी, अपने हिसाब से लंबाई आप कर सकते हैं। और 37 सीना है, चेस्ट 7 इसकी आस्तीन है जो कि हाफ है ये, और 14 मोरी है, और 17.5 इसका तीरा है, और 15 इसका कॉलर है। तो इतनी नाप है, तो इसको हम काटते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है इसमें, और इसको जो है फिर स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए जो है हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमने 12.5 रख दिया, तो इधर भी आपको 12.5 रख देना है और बराबर कर लेना है। अब हम इसको काटते हैं। तो इसको सबसे पहले कपड़े को सीधा करेंगे। कपड़े को सीधा करने के लिए इस तरीके से आपको सीधा कर लेना है। उसके बाद जो देखिए, इसकी लंबाई जो है वो है यहाँ पर 25.5। तो हम जो है ऊपर जितना भी आप कंधे में दबाव लें तो उतना आपको बढ़ती रखना है। तो जैसे कि 25.5 लंबाई हो गई, प्लस 0.5 इंच इसमें कंधे में मार्जिन जाएगा, तो हम 26 रख देते हैं। अब ये 26 रख दिया, अब नीचे फोल्ड दामन फोल्ड के लिए जो है हम यहाँ पर 1.5 इंच छोड़ देंगे। तो इतना हो गया काम। अब जो है हमको क्या करना है, अब हमको ऊपर से अपना आरमोल का हिस्सा नापना है। तो देखिए, अब जो है हम आरमोल का निशान लगाएंगे। तो जैसे कि सीना जो है हमारा 37 है, 37 का चौथाई हुए हैं 9.25, तो 9.25 में उसमें 0.5 इंच हम कम करके लगाएंगे निशान, ताकि जो है हमारा आरमोल बढ़े ना। वैसे आप चौथाई रख सकते हैं 9.25 पर, जो है क्या हो उससे थोड़ा बहुत हमारे आर्मोर बढ़ जाते हैं, तो इसलिए जो हमको थोड़ा सा कम करके रखना होता है, तो 0.5 इंच। तो अब जो है यहाँ पर हमने 9.25 रखा, और इधर साइड में भी 9.25 पे निशान लगा लिया, और हम सीधा यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। ये निशान लग गया। अब जो है हमारा जो गला है वो हम रखते हैं, तो 15 है, तो 15 का हमें छठवा हिस्सा रखना होगा। तो इसका छठा हिस्सा हुआ है 2.75 इंच। लेकिन क्या है, ये टी शर्ट है, तो टी शर्ट का हमको हाला जो है वो हमको और कम करना होगा, 2.5 इंच रखना होगा। अब वो क्यों, क्योंकि जो सामने के इसके ठोंके होते हैं कॉलर के, वो इसमें अलग से बनते हैं दोस्तों, इसमें ही नहीं रहते हैं, इसमें अलग से बनाए जाते हैं। तो इसलिए जो है इसका ठोंके का हिस्सा जो है वो हमको इसमें नहीं रखना होता है। अब कॉलर क्या है, कॉलर में ठोंके उसी में होते हैं, इसलिए कॉलर चढ़ जाता है। अगर आप उसको कॉलर के हिसाब से रख देंगे तो ये बढ़ जाएगा इसका हाला। तो इसलिए जो है हमको क्या करना होगा, 2.5 इंच हमको रखना है, बाकी हमारे 1 इंच जो है वो अलग से कपड़ा एक्स्ट्रा में लगेगा, वो ताबीज़ में बनेगा। जब ताबीज़ बनाएंगे तब आपको बताएंगे। तो 2.5 इंच इधर रख दिया, और जो है 2.75 इंच इधर साइड में हमने रख दिया। तो इस तरीके से हमको निशान लगा लेना है। अब हमको इस तरीके से हल्की गुलाई दे के रखना है। अब जो तीरा है हमारा वो है 17.5, तो जो है 17.5 के आधे हुए हैं 9.25, प्लस इसमें 0.5 इंच दबाव छोड़ देंगे, तो 9.25 यहाँ पर निशान लगा लिया। अब यहाँ पर जो है कंधी हम 2.25 इंच गिरा देंगे, वैसे 2 इंच भी गिरा सकते हैं और 2.25 भी, तो हम 2.25 यहाँ पर गिराते हैं। तो ये निशान हो गया। अब जो है हम अपना चेस्ट नापेंगे। तो जो चेस्ट है 37 के चौथाई हुए हैं 9.25, तो ये हमने रख दिए। अब इसमें जो है हम इसमें लूजिंग छोड़ेंगे। तो लूजिंग देखिए, फिटिंग में अगर आप छोड़ रहे हैं तो आपको 1.5 इंच छोड़ना है, और आप ज़्यादा फिटिंग में भी नहीं और ज़्यादा वैसे भी नहीं, नॉर्मल रखना है, तो आप 2.25 या 2 रख सकते हैं। तो जो पहनता है इंसान उसका साइज़ के हिसाब से देख के किस तरीके के वो कपड़े पहनता है, टाइट पहनता है तो उसी हिसाब से आपको रखना है, या फिर आप सामना भी नाप सकते हैं, तो जो है उस हिसाब से आपको रख देना है। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर 2.25 इंच लूजिंग छोड़ देते हैं, जो कि हमारी बिल्कुल फिट आएगी, मतलब जो कि हमारी बिल्कुल सही आएगी, ना ज़्यादा टाइट होगी ना ज़्यादा ढीली होगी। तो 2.25 हमने यहाँ पर छोड़ दी, तो हमारा सामना जो है पूरा आ रहा है 11 इंच। अब हम इधर साइड में भी 11 इंच रखेंगे। अब इसके बाद जो है हम इसको यहाँ से लाइन खींच लेंगे।
सीधी बिल्कुल। ये हो गई, अब हम इसको सीधा सीधा बिल्कुल रखेंगे। टी शर्ट क्या है, ज़्यादातर सीधी सीधी होती है। अगर आप चाहते हैं फिटिंग में तो आप फिटिंग में कर सकते हैं, राउंड भी बना सकते हैं, पर ज़्यादातर टी शर्ट जो हैं वो सीधी ही होती हैं और सीधी ही सही लगती हैं, वरना वो क्या है वो गुलाई में इस तरीके से आएंगी तो वो चीज़ ठीक नहीं लगती है। अब उसके बाद जो है हमको यहाँ से हमको पौन इंच जो है अंदर को निशान लगा के और ऐसे करके रखना है इस तरीके से। अब हम इसकी गुलाई देंगे इस तरीके से, तो ये हमारी टी शर्ट के पूरा निशान लग गए। तो कॉलर जो है वो 15 है तो यहाँ पर 15 लिख दिया। तो इस तरीके से आपको निशान लगाना है सामने के। अब दोस्तों अब इसको हम काट लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये टी शर्ट का ये हिस्सा कट गया। अब जो है हम चाक के निशान इस यहाँ पर कुटके हमने लगा दिए। अब चाक के कुटके यहाँ से देखिए जो है ये नीचे का हिस्सा छोड़ देना है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, अंदर फोल्ड होगा और ये 2 इंच के चाक आप खोल सकते हैं। अब ओपन तो रहती नहीं है टी शर्ट में, तो ऐसे ही रहती है, तो चाहें तो आप बंद करके भी कर सकते हैं, चाहें तो आप चाक भी खोल सकते हैं। इस तरीके से अब देखिए हमारा कपड़ा जो है आस्तीन के लिए इतना बच रहा है, तो इसमें मेरी आस्तीनें जो हैं आराम से बैठ जाएंगी। और जो है आप इधर से भी आस्तीनें निकाल सकते हैं, अगर आपके पास कपड़ा कम है तो इधर से भी निकाल सकते हैं। ये जो कपड़ा था ये 2 मीटर था, तो इसका जो हिस्सा है वो हम रखेंगे यहाँ पर 2.5 इंच। तीरा इसमें लगेगा नहीं, अलग से कुछ भी नहीं होगा, ये 2.5 इंच। तो यहाँ पर जो है इसको ऐसे करके निशान लगा लेते हैं, ये हो गया। अब यहाँ से हमको तीरा नापना है, तो तीरा जो है अब हम नापते हैं, तो तीरा है हमारा 17.5, 17.5 के आधे हुआ है 9.25, और इसमें प्लस 0.5 इंच दबाव, तो 9.25 यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया 9.25। अब हम यहाँ पर ऐसे करके क्रास में हल्का सा निशान देंगे और उसके बाद जो है इस तरीके से आप शेप दे सकते हैं हाथ से। अब जो है यहाँ पर हाला काटेंगे, तो 2.75 जो है यहाँ पर आपको रखना है। और जो है ये हाला जो है टी शर्ट का दोस्तों ज़्यादा गहरा नहीं काटा जाता है, तो इसको जो है हम 1.5 इंच रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखना है क्योंकि टी शर्ट का ज़्यादा गहरा नहीं करा जाता है। तो 1.25 इसका बहुत है, यहाँ से सीधा सीधा आपको 1.25 रखना है इस तरीके से। और चाहे तो आप 1.5 भी रख सकते हैं, सीधे सीधे में रखना, ऐसा नहीं है आपका जब क्रास में ऐसा करके गया है फिर आपने ऊपर से नापा है तो ये वैसा हो जाएगा कम बहुत ज़्यादा। तो जो है आपको यहाँ से आप नाप सकते हैं, 1.5 इंच आप आसानी से इसको रख सकते हैं, 1.5 इंच सीधे सीधे में। Thank you.
तो ये हमारे बैग सामने कट गए। अब जो है हम इनको रख देते हैं। अब हम यहाँ से अपनी बाजू काटते हैं। तो दोस्तों यहाँ से अब हम आस्तीन निकालते हैं अपनी, यहाँ से जो है इसको डबल कर लेते हैं इस तरीके से। तो दो आस्तीन हमारी यहाँ पर बैठ जाएंगी, उसके बाद जो है हम इसको ऐसे करके रखेंगे इस तरीके से। क्या हो गया इतना काम? अब जो है हमको क्या करना है, ये नाप के देख लेना है हमारी बिल्कुल सही आ रही है। कहने का मतलब जो है कम तो नहीं है हमारा ये हिस्सा, तो ये ठीक है, 10 इंच है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपनी जो है इसकी यहाँ से निशान लगाएंगे। अब आस्तीन की जो लंबाई थी वो थी 7 इंच, तो 7 इंच थी, तो देखिए इसकी जो है हम जो है लंबाई इसकी 7 इंच ही रखेंगे। अब वो क्यों? क्योंकि देखिए इसमें इसमें जो है पट्टी हम अलग से लगाएंगे 1.5 इंच की, 1.5 इंच की जो पट्टी है वो हमारी अलग से लगेगी इसलिए, और अलग से हम पट्टी लगाएंगे तो हमारा बिल्कुल ही फिक्स आएगा। तो 7 इंच है तो 7 इंच ही हमको रख देना है। तो यहाँ पर हमने ऐसे करके इसको सीधा निशान लगा लिया। अब जो है यहाँ से जो है हमको 2.75 पे निशान लगाना है, और या इधर से अब हमको इसका आर्मोल रखना है। तो जैसा कि जो है इसका सीना जो है वो है 37 इंच, तो जैसा कि इसका सीना जो है 37 है, तो 37 के चौथाई हुए हैं 9.25, तो जो है ये 9.25 यहाँ पर आपको रख देना है। लेकिन थोड़ी सी फिटिंग में है ये, तो इसको हम 9 रख देंगे इस तरीके से। अब जो है हम इसको गुलाई कर देते हैं, और आप सीने के हिसाब से भी आप रख सकते हैं, 9.25 है तो 9.25 आपको उसका चौथाई आपको आसानी से रख दें। ये आ गई हमारा 9 इंच, और हमारी बाजू जो है ऊपर 7 इंच है, 14 मोरी है, तो ये 14 हो गया, तो इतना हम काट देंगे, क्रॉस में कर देंगे। तो इसको यहाँ से इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। अब इसको हम काट देते हैं। और अगर आप ना काट, अगर डिजाइन बनाए तो अलग से कपड़ा छोड़ देते हैं, जैसे कि बाजू कटती है हमारी हाफ आस्तीन, ऐसे ही आप काट सकते हैं इसको। अब इसको हम खोलेंगे और इसमें ताल काटेंगे, तो इस तरीके से आपको ताल काट देना है। अखबार पर प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जो है आप ताल को भी आसानी से काट सकते हैं। तो ताल का जो इधर का हिस्सा, इधर का हिस्सा होता है इसके बीच में, यहाँ पर जो है आपको 7.25 इंच रख देना है, और यहाँ पर हल्का सा गुलाई में, जैसे कि गोल होता है मुड्डा, तो उसी हिसाब से इसको चलना होता है। तो ये हमारा काम हो गया इतना। तो अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसमें क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, किस तरीके से बनाया जाता है ये टी शर्ट बनाते हैं, तो इसका नेक्स्ट वीडियो में हम ये इसको बनाएंगे। तो ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और वैसे ही बनाएंगे जैसे सेम टू सेम टी शर्ट होती है, ठीक है ना। कपड़ा आप कोई सा भी ले सकते हैं, कॉटन का हो कॉटन का ले सकते हैं, कॉटन की हौजरी का चलेगा नहीं मशीन पे, वरना हम हौजरी का ले लेते हैं, पर हौजरी का चलेगा नहीं कपड़ा, तो इसलिए छोटी मोटी सिलाई लगा सकते हैं पर ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो है हौजरी 4 थ्रेड से बनती है, 4 थ्रेड से हमारी टी शर्ट बनती है हौजरी की, तो इसलिए उसके लिए हमें 4 थ्रेड मशीन चाहिए बुक, जो कि हमारे पास नहीं है इस समय। जब होगी तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूँगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।